अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, तालीमी शोबे में बहुत दिनों से ये उलझन कायम थी कि बारहवीं जमानत के इम्तहान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि दसवीं जमात के इम्तहान ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। बारहवीं के इम्तहान के बारे में मुबहम कायम था। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग मुनक्किद की तमाम रियासतों के वज़ीर तालीम के साथ, और उनकी राय ली गई कि इम्तहान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तमाम रियासतों के वज़ीर तालीम ने अपनी अपनी राय पेश की और कहा है कि इम्तहान होना चाहिए, लेकिन तमाम तलबा को वैक्सीनेशन देने के बाद, तमाम असातिज़ों को वैक्सीनेशन देने के बाद, क्योंकि हालात बहुत नाजुक है। हमारी रियासत के वज़ीर तालीम मैडम वर्षा गायकवाड़ जी ने ये बात कहा है कि इम्तहान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे 14 महीने से बारहवीं में स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत देर हो चुकी है। अब मज़ीद देर करके फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बदले उन्होंने एक राय पेश की कि इंट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट के ज़रिए से बच्चों का इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाए, जिसके ज़रिए से वो अलग अलग शुबे में दाखिला ले सके। और उन्होंने कहा है कि मुश्किल है कि तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन देना और तमाम असातिज़ों को वैक्सीनेशन देना और एग्ज़ाम लेना, क्योंकि इसमें बहुत वक्त गुजर जाएगा। इसलिए मज़ीद वक्त ना ज़ाय करते हुए इंट्रोस्पेक्टिव असेसमेंट के ज़रिए से अलग अलग शुबे में बच्चों को दाखला दिया जाए। इसका फैसला आप 25 तारीख को होगा कि दिन की दोबारा मीटिंग होंगी, और 25 तारीख को ये हतमी फैसला लिया जाएगा कि इम्तहान होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए आप 25 तारीख का इंतज़ार कीजिए, और इसके बाद आप अपनी आपसे एक और एक बात अपनी राय पेश करूँगा कि आप अपने सिलेबस से जुड़े रहिए, किताबों से जुड़े रहिए, स्टडी जारी रखिए। इम्तहान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर होगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपके सिलेबस के बेस पर ही होगा। जिस शोबे में भी आप दाखला लोगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए तालीम से, किताबों से जुड़े रहिए, स्टडी से जुड़े रहिए, स्टडी से ताल्लुक़ ना तोड़िए, क्योंकि आप अगर जिस शोबे में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, जिस शोबे में भी दाखिला लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना ही होगा। और इम्तहान अगर होते हैं तो उसके लिए भी स्टडी ज़रूरी है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी स्टडी ज़रूरी है। तो 25 तारीख का इंतज़ार कीजिए, और देखना है कि इम्तहान के बारे में क्या फ़ैसला होता है।